नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। अभी आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुना, किसानों के बारे में वो बात कर रही थी, किस तरह से किसानों के बीच भ्रम फैलाया गया इन तीन नए कृषि कानूनों को लेकर ये बता रही थी। तो हम बात किसानों की ही करेंगे। किसानों के एक दिन के अनशन की ये बात है, 19वां दिन आज है। किसानों ने अपने आंदोलन की रणनीति को बदल दिया है। किसान अनशन से आगे का एक बड़ा प्लान बना चुके हैं। आज किसानों के नए प्लान के बाद मोदी सरकार भी फुल एक्शन में दिखाई दी है। आज की दो तस्वीरों में आने वाले कल का रोड मैप मौजूद है। अनशन के बाद अब आगे क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश जानना चाहता है। क्या अनशन झांकी है? अभी आंदोलन किसानों का बाकी है। किसानों की राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल, किसानों के व्रत पर कैसी कैसी सियासत। जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होके हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा? किसान नहीं मानेंगे तो मोदी क्या करेंगे? देश के किसानों की संपूर्ण क्रोध कथा। हे विधाता, दुखी है देश का नदाता। आंदोलन कर रहे किसान लॉन्ग टर्म प्लान के साथ दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। अगले कदम की तारीख तय कर ली है किसानों ने, और आंदोलन का ढंग और तरीका भी उनका तय है। आज किसान संगठन अपने लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से आगे बढ़े हैं। किसानों को कितना फायदा मिला? क्या अनशन अब किसानों का अंतिम हथियार होगा, या फिर किसानों की रणनीति आगे अभी कुछ और भी है? अभी तो आंदोलन बहुत तेज होगा। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। जदों तक ये बिल वापस नहीं होते किसान जान वाले के हैं। ये तस्वीरें किसानों के गांधीगिरी की हैं। क्या किसानों के अनशन से मौजूदा संकट का समाधान निकलेगा, या फिर किसान संकट में अनशन का अगला चरण मोदी सरकार के लिए नई चुनौती लेकर आएगा? इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं। आंदोलन को ये चलाते रहेंगे हम सब लोग, सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी ट्रोलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा, ये ध्यान से सुन लेना था। एक दिन का उपवास आज खत्म हुआ, लेकिन 19 दिनों से कड़ाके की सर्दी में कठोर तपस्या जारी है। किसानों को इंतजार है जप और तप के बाद फल का, जो हल के बाद मिलेगा। देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं, और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू साहब। सतनाम सिंह जी, किस ढंग से आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कह रही हम बातचीत करने को तैयार है? किसान भी गलबात करने को तैयार है, पर गलबात जो अगे हुई है 6-7 बार, उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उस लेवल से गलबात नहीं होनी चाहिए। शहर अलग, किसान अलग, लेकिन अनशन का दृश्य एक जैसा। कृषि सुधार कानून के खिलाफ एक दिन के राष्ट्रीय अनशन का आह्वान किसान संगठनों ने किया था। ये सरकार अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। पहली बात तो जब ये बिल बनाया, किसी भी किसान संगठन से कोई सलाह नहीं ली। केंद्र सरकार ये किसान विरोधी बिल तीनों वापस नहीं लेती और MSP को कानून के दायरे में नहीं लाती, तब तक किसान ये यहीं डटे रहेंगे। देश भर में हर जिलों में DM के दफ्तरों का घेराव किया। ये सब अनशन का हिस्सा था, यानी घेराव भी किया और अनशन भी रखा। अपनी मांगे मनवाने के लिए अनशन पर बैठे किसानों ने दिल्ली वालों से माफी तक मांगी है। हम देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाहते हैं, अपनी बात प्रधानमंत्री को सुनाना चाहते हैं। सरकार हमसे वार्ता करने का दिखावा तो करती है, लेकिन हमारी बात सुनती नहीं। सड़क बंद करना, जनता को तकलीफ देना,
हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, फिर भी हमारे इस आंदोलन से आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। किसानों का ये माफीनामा दिल्ली वालों के नाम है जो इस आंदोलन की मार झेल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का कब्जा है। किसानों के अनशन की ये तस्वीर भी बहुत गौर से देखिए। बुजुर्गों के साथ यहाँ महिलाएं भी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर धरने पर बैठी हैं। इनको सुनिए, इनकी बातों को समझिए। बुआ जी कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? कब तक साडे काने काले कानून वापस नहीं होंगे, उस तक डटे रहेंगे। हम जो भी काले कानून बनाए गए हैं उनको रद्द करवा के ही घर पर जाएंगे। हम शेष महीने का राशन पानी जो भी जरूरत की चीजें हैं हम सब लेकर आए हैं। अब इनका डेरा और बसेरा नेशनल हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली है। किसान अनशन पर थे तो केंद्र सरकार फुल एक्शन में थी। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अहम मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह किसानों के प्रतिनिधियों से मिले। केंद्र सरकार की कोशिश है कि गतिरोध टूटे और कृषि सुधार कानून को लेकर जारी विरोध का किसी तरह समाधान निकले। आज तक ब्यूरो। बड़ा और कड़ा इम्तिहान केंद्र सरकार का है। 19 दिनों में समाधान से पहले बातचीत के पुल जो हैं कई बार टूटे, लेकिन केंद्र सरकार ने पुल को फिर से जोड़ दिया। कृषि सुधार कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच विवाद में सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन इस अवसर पर शुद्ध देसी पॉलिटिक्स का खेल भी लगातार जारी है। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस भोले भाले किसान है, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं। आप देखो इतिहास लिखेंगे, दिल्ली इस बार हारेगी, पंजाब जीतेगी। जिन्हें जरे नहीं है कानून रद्द कर दे उन्हें जरे शांतमई चलेगा। किसानों का मुद्दा पीछे रह गया और सियासत आगे पहुंच गई। एक वाक्य में समझें तो सियासतदानों ने किसानों के व्रत की व्याख्या से पहले सियासी शब्दकोश खोला और खोज खोज कर शब्दों को पढ़ा गया। पहले शब्दकोश की बात, फिर उसका संपूर्ण अर्थ। भोले भाले किसान, राम राम, आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े, प्रायोजित सियासी स्टंट। एक तरफ किसानों का दर्द है तो दूसरी तरफ किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने की होड़ मच गई। सियासी दलों में पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का चैंपियन बनने की रेस शुरू हुई। किसानों के कष्ट और किसानों के अनशन को लेकर सियासी दलों में महाभारत शुरू हो गई। सियासी स्टेज पर सबसे पहले वो तस्वीर जो चर्चा में रही, उपवास किसानों का था, लेकिन आम आदमी पार्टी फुल सपोर्ट में आई। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए और MSP गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए। आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ व्रत रखा, लेकिन दिल्ली से पहले बड़ा और कड़ा रिएक्शन पंजाब से आया। पंजाब के CM ने अरविंद केजरीवाल पर सियासी बाण चला दिया। क्या आप में शर्म बची है? जब हमारे किसान सर्दी में सड़क पर आपके शहर के बाहर बैठे हैं, कई अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए मर रहे हैं, ऐसी घड़ी में आप राजनीतिक फायदे का मौका तलाश रहे हैं।
आप बेशर्म झूठे हैं जिसने किसानों की पीठ पर छुरा घोंपा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो क्या अनशन बहाना है? मकसद सिर्फ पंजाब में सियासी जमीन निशाना है? सवाल नहीं उठाया जा रहा, वो डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार आज कह दे कि राज्य सरकार कानून पास कर सकती है, राज्य सरकार पास कर देगी। जब कानून केंद्र सरकार का है तो राज्य सरकार इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है, कोई नहीं कर सकती। दिल्ली से पंजाब तक राजनीतिक तीर दागे जा रहे हैं, राजनीति के पीछे है पंजाब के किसान, तो वहीं पंजाब में जो गुस्से में हैं, आखिर पंजाब के किसानों के गुस्से का कारण क्या है? ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आएगा। जिद है या जरूरत है? बहके हैं या बेबस हैं? पंजाब का क्रोध शांत कब होगा? कृषि सुधार कानून के विरोध में पंजाब के क्रोध की जड़ बहुत गहरी है, लेकिन पंजाब के किसानों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसे समझने के लिए पंजाब की संस्कृति को समझना होगा, पंजाब की सोच में रचे और बसे खेती के संस्कारों को पढ़ना होगा। खेती पंजाब के लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि गौरव का प्रतीक है। खेती पंजाब के सिर का ताज है, क्योंकि देश की भूख मिटाने वाला पंजाब है। हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, उसके पीछे पंजाब का पसीना है। बदले में पंजाब सम्मान चाहता है, लेकिन नए खेती कानूनों की वजह से पंजाब के सम्मान को ठेस पहुंची है। पंजाब के मेहनतकश किसानों के आक्रोश के पीछे की वजह बड़ी है। गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है कि किसानों को लगता है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव कर रही है। सबसे ज्यादा पैदावार के साथ देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा रोल निभाता है, लेकिन सम्मान की बजाय तिरस्कार किया गया है। एमएसपी पर किसानों की फसल केंद्र खरीद लेता है, नए कानून से सिस्टम बदलेगा और सालाना इनकम पर चोट पहुंचेगी। मंडी में एमएसपी पर फसल बिक जाती है, लेकिन नए कानून के बाद बड़े कॉरपोरेट के हाथों में मोल तोल की ज्यादा ताकत होगी और छोटे किसानों का शोषण होगा। किसानों को लगता है कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एमएसपी पर केंद्र सरकार पंजाब से अनाज की खरीद को कम कर देगा। नए कानून की वैकल्पिक व्यवस्था से मौजूदा मंडी सिस्टम अच्छा है। किसान को पूछने देखे, अगर ये सब सही होता तो ये दुनिया भर के किसान जो है लाखों के हिसाब से यहाँ बैठे हैं, ये सब पागल थोड़ी हैं। अब अगर हम लोगों का भला, हम लोग ही जानते हैं, अगर हमारा कहीं नुकसान हो रहा है तो हम सरकार को कहने के लिए आएंगे तो है। अब इतनी ठंड में सब अपन अपना घर छोड़ के यहाँ सड़क पे आके बैठे हैं, अगर सरकार का बिल सही होता तो इतनी जनता यहाँ पे आती थोड़ी। हमारा मुद्दा है जो वो है सिर्फ जो तीन काले कानून है, दो आर्डिनेंस, हमने वो खत्म कराने, बस वो खत्म करा के वापस जाएंगे। अब ये समझिए, कृषि सुधार कानून की वजह से पंजाब के किसानों के दिमाग में भय कहां से आया? 11 लाख परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर है, 99% खेतों पर सिंचाई की व्यवस्था है, कुल कृषि उपज का 84% केंद्रीय एजेंसी खरीद लेती है, प्रति परिवार औसतन 1.22 लाख सब्सिडी मिलती है, राज्य में जोतों का औसत आकार 3.6 हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जोतों का औसत आकार 1.1 हेक्टेयर ही बैठता है। आज पंजाब के किसानों को लगता है कि देश को अनाज दिया लेकिन बदले में अपमान मिल रहा है। इसकी वजह पंजाब में खेती से जुड़े आंकड़े हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र में 2% से भी कम, लेकिन अनाज का पैदावार का 10% ज्यादा उगा कर देता है। गेहूं की पैदावार 1.284 करोड़ मीट्रिक टन, भारत में गेहूं की कुल उपज का 11.9%, धान की पैदावार 1.279 करोड़ मीट्रिक टन, भारत में धान की कुल उपज का 12.5%।
कुल आबादी 2,80,00,000 यानी भारत की आबादी का 2.2%। पंजाब के किसानों को डर है कि नए कानून से सब कुछ बदल जाएगा, देश की भूख मिटाने वाले किसानों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि अच्छे भले ढंग से चली आ रही आढ़तियों और एपीएमसी की व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। पंजाब के किसानों को ये बदलाव किसी कीमत पर कबूल नहीं है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार कहती है ये तीनों कानून किसानों की भलाई के लिए हैं, किसान कहते हैं इससे हमारा नुकसान हो रहा है, वो अड़ गए। दशक में आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।